दोस्तों, आज हम पोल्ट्री का पोस्टमार्टम किस तरीके से करते हैं ये देखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि कई सारे लोग बर्ड जैसे ही मरती है उसे फेंक देते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या क्या देखना होता है और किस तरीके से इसका एग्जामिनेशन करना होता है। फील्ड के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं बीमारियाँ पता लगाने के लिए, इसी वजह से जो मॉर्टलिटी होती है उसमें इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि फार्म के अंदर डेली की मॉर्टलिटी कितनी हो रही है। अगर वो आधे परसेंट से ज़्यादा है मॉर्टलिटी डेली हो जाती है, मतलब अगर आपके पास 1000 का फ्लॉक है और उसके अंदर से 5 मुर्गियाँ डेली मर रही हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन का एक इशू हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। और इतने बड़े बच्चे का मरना, इतने बड़े बर्ड का मरना एक वैसे ही मतलब नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फीड खा चुका है, चूज़ा महंगा बहुत है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो बर्ड ये इसी तरीके से मरा हुआ था और इसकी जो गर्दन थी वो राइट की तरफ थी, तो ये देखने में हमें मतलब एक अटैक का केस लग रहा है कि जैसे हीट स्ट्रोक वगैरह होता है उस तरह का। तो सबसे पहले बाहर का एग्जामिनेशन करते हैं और ये देखते हैं कि फीट किस तरह का है इसका। तो यहाँ पर देखिए कि लीटर की क्वालिटी जो है वो बहुत ही पुअर है, पूरा का पूरा जो उसका ड्रॉपिंग्स हैं, उसकी फीसिस हैं, वो सब यहाँ पर जमा हुई हुई हैं। और कितना तो फ्लोर की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, और इससे ये पता चलता है कि फार्म के अंदर अमोनिया भी खूब रही होगी, यही हमें यहाँ पे देख के पता चलता है। तो सबसे पहले फीड देखने चाहिए, उससे पता चल जाता है कि क्या उसकी फार्म की कंडीशन है। उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, अगर ये लेयर बर्ड होती तो हम इसके फेदर्स भी देखते। अब इसमें तो बहुत ज़्यादा जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं जैसे जुए हैं, किल्लियाँ हैं, पिस्सू हैं, वो ज़्यादा नहीं आते, लेकिन इसमें भी आपको कभी कभी कुछ ना कुछ दिख जाता है। जो माइट्स होती हैं, फेदर माइट्स, ये बहुत ही बारीक होती हैं और इन्हें तंग करती रहती हैं। फिर आते हैं हम, इसकी आंखें देखी जाती हैं, तो उसके अंदर आंखों के अंदर हमें कोई ऐसी मतलब चीज़ इसमें नहीं दिखाई दे रही है कि प्रॉब्लम, और ये बहुत बिल्कुल फ्रेश मॉर्टलिटी है अभी की। इसके बाद मुंह देखा जाता है। अब मुंह में अगर आप देखेंगे तो इसके फीड है, थोड़ा फीड इसके दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि फीड इसके बिल्कुल थ्रोट में है, ठीक से हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल फीड खाता खाता ही अभी इसकी डेथ हुई है। तो ये देख के भी काफ़ी पता चल जाता है। कई बार अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो फिर हम ये भी दबा के देखते हैं, तो इसके अंदर से अगर जैसे ये थोड़ा बहुत नज़ला या इसका बलगम आता है, जैसे इसमें आ भी रहा है यहाँ पर, तो वो पता चल जाता है। फिर हमें बर्ड को गीला कर लेना चाहिए इसे वो करने से पहले, क्योंकि इसमें डस्टिंग होती है, डस्टिंग उड़ती है। तो बेटर तो यह है कि कोई बाल्टी हो और आप उसमें पूरा का पूरा इसे डुबा दें। तो अब फिर एक बार हम इसका फीट भी तोड़ के देखते हैं, इससे पता चल जाता है कि कैल्शियम या विटामिन D3 का क्या स्टेटस है। अगर कड़क की आवाज़ आती है तो इसका मतलब बर्ड का जो मिनरल स्टेटस है वो ठीक है। अब दो तरीके से बर्ड खुल सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से खोल लीजिए उसे, जैसा ज़्यादातर लोग करते हैं, वरना आप यहाँ से खोलिए। अगर आप यहाँ से खोलते हैं तो आपको एकदम ट्रैकिया और इसोफेगस वगैरह की एक अच्छी वो मिल जाती है, उसके बाद आप यहाँ से खोलिए। तो सबसे पहले हम इसे ऊपर से खोलना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि तुरंत इसमें हमें ब्लड दिखा, और बिल्कुल फ्रेश ब्लड है, जो कैरोटिड आर्टरी है। वो कट गई और बिल्कुल फ्रेश ब्लड इसमें हमें यहाँ पे दिखा। इस ब्लड को हम निकाल देते हैं।
इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इसोफेगस, ये इसोफेगस है जिसे फूड पाइप कहते हैं, जिसके अंदर से दाना अंदर जाता है, तो इसे पहले काटना चाहिए। इसे देखा जाता है कि इसकी हेल्थ कैसी है। अगर जैसे यहाँ पर तो ये ठीक है, लेकिन जैसे विटामिन ए वगैरह की कमी होती है तो हमें यहाँ पे हल्के हल्के सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते जैसे छोटे छोटे स्पॉट्स दिखने लगते हैं, जो न्यूट्रिशनल राउप कहलाता है। विटामिन ए की कमी सबसे पहले हमें यही नज़र आती है। इसके बाद इसके साथ ये फिर अंदर तक जाता है। इसके साथ यहाँ पे होता है ट्रैकिया जुड़ा हुआ, सांस नली, जिसे सांस नली भी कहा जाता है। इसमें अगर आप देखें तो ये पूरी तरीके से इस वक्त लाल है और म्यूकस भी है इसके अंदर। तो बच्चे में आवाज़ भी है, आपको आपको सुननी पड़ेगी, तो क्योंकि ये बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ से इसकी देख ली। अदरवाइज ये वाइट होती है बिल्कुल, ये वाइट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें हल्का सा पानी जैसा रहता है, अगर होता भी है तो पानी जैसा रहता है म्यूकस, हालांकि इतना नहीं है इसमें। और ये भी हो सकता है कि ये जो लाल है ये गर्मी की वजह से लाल हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, और गर्मी की वजह से ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस लेने की वजह से भी लाल हो जाता है, ये पेंटिंग जिसे कहते हैं। पहले इसकी मसल्स देख लेते हैं, चेस्ट मसल्स। चेस्ट मसल पे आपको ये झाग दिख रहे हैं इस टाइप के, ये मतलब ये जब हीट स्ट्रोक होता है तब ये नज़र आते हैं। इनकी इनका मतलब ये होता है कि जो मसल्स हैं वो मतलब सेलुलर डैमेज हो रहा है अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे बबलिंग होने लगती है, गैस बनती है और फिर वहाँ से बबलिंग होती है। अभी अब हम इसका एब्डोमन वो कर रहे हैं, अब अगर डायरेक्ट हम खोल के देखें तो यहाँ पे हमें पानी नज़र आएगा, कि पानी दिख रहा है, ये पानी नज़र आ रहा है। और हार्ट के ऊपर भी पूरा, जो हार्ट के ऊपर की झिल्ली है इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये काटते वक्त जब हम इसे काटें, और ये देखिए ये जो है ये मतलब ये प्लाज्मा ही है जो लीवर के अंदर से बाहर आया, एब्डोमिनल कैविटी में आ गया और वो जम गया। एसाइटिस में ऐसा देखने को मिलता है, तो एसाइटिस समर में भी होता है, गर्मियों में भी होता है और ठंड में भी होता है। ठंड में रात में होता है, गर्मियों में दिन में होता है। तो हार्ट पूरी तरीके से कितना बड़ा हो चुका है, लार्ज हो चुका है, और इसके अंदर ये पानी भरा है।
अब लीवर को बिल्कुल भी खोलने के बाद इसे डैमेज नहीं करना चाहिए, और अगर कोई फोटोग्राफ आपको लेनी है तो इस कंडीशन में उसे ज़रूर लेना चाहिए बिना पानी से भिगोए, क्योंकि आप तुरंत उसमें पानी डाल देते हैं तो पता ही नहीं चलता कि बॉडी के अंदर भी पानी था या नहीं था। तो अब लीवर को अगर हम देखें यहाँ पर, तो लीवर के ऊपर छोटे छोटे आपको हेमरेजेस दिखेंगे। आप अपने इस मोबाइल से ना कुछ फ़ोटो ले लो, क्योंकि इसमें तो आएगा नहीं है। ये छोटे छोटे, हाँ, लाल लाल बिंदियाँ दिख रही हैं, इसका मतलब ये हेमरेजेस हैं इसके अंदर। एज भी हम लगे लगे देखते हैं कि यहीं पे, तो जो एजेस हैं वो भी कितने राउंड हो गए हैं यहाँ से अगर आप देखेंगे, और ये हेमरेज आपको नज़र आ रहा है, ये भी यहाँ पर राउंड हो गया है। तो ये बिल्कुल ब्लेड की तरह शार्प होने चाहिए, हेल्दी लीवर में ये ब्लेड की तरह शार्प होते हैं और इतने राउंड नज़र नहीं आते जैसे यहाँ पर आ रहे हैं। अब फैटी डीजनरेशन जो होता है, फैटी लीवर जिसे कहते हैं, वो साइड से शुरू होता है, किनारों से शुरू होता है, फिर ये बीच की तरफ को जाता है। तो सबसे पहले यही देखना हमें ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर साफ तौर से इसमें फैटी डीजनरेशन दिखाई दे रहा है। अब हम हार्ट को बाहर निकालते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप इसके साथ वो करेंगे, अंधाधुंध कैंची चलाएंगे, तो कोई भी ऑर्गन इसमें कट जाता है और फिर पता नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम इसमें हुई है। तो अब आप देखिए इसे कि ये इसकी ड्यूओडेनम है या स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके अंदर हमें साफ तौर से ये लाल लाल जो इसकी ब्लड वेसल्स हैं वो दिखाई दे रही हैं, और इतनी लाल हैं। आम तौर पे ये ऐसा नहीं होता, ये वाइट होता है और ये नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि एंट्राइटिस की प्रॉब्लम भी इसमें हुई है। और ये जो बीच में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो लाइन जा रही है, ये पैनक्रियाज होता है, ये ब्लड का ये ब्लड का पैनक्रिया है, ये वाला फोटो ले दे रहे हैं इसका ना, ये वाले ये क्या चीज़, इसको ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी बर्ड की, और ये बिल्कुल सफ़ेद होती है, सफ़ेद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये लाल लाल इसमें ब्लड भरा हुआ है। इसका मतलब ये एंट्राइटिस भी बर्ड में है। और अगर हम पीछे से इसे देखें तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसके बीट भी वाइट, हाँ, लगी हुई है, ये नहीं होनी चाहिए हेल्दी बर्ड्स में। तो इसके गट प्रॉब्लम भी है, और ये पैनक्रिया है, पेनक्रियाज कहते हैं। इसका काम ये होता है कि जितना भी डाइजेशन होता है बर्ड के अंदर, वो इसी से एंजाइम बन के आते हैं, इंसुलिन इसमें बनता है, ग्लूकागन और दुनिया भर के हार्मोन्स बनते हैं, तो वो भी इसी के अंदर बनते हैं। और ये पित्ता, अब इसका इसे हम निकाल लेंगे और फिर इंटेस्टाइन को अलग से खोल के देखेंगे। ये तीनों चीज़ें एक साथ निकाली जाती हैं। इसमें गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर लीवर के साथ अटैच रहता है। अब आपको इसमें दिखेगा कि कितनी इंजर्ड लीवर है, फोकल हेमरेजेज हैं इसके अंदर। हेमरेज का मतलब है ब्लड जो है वो बिल्कुल लीवर की जो वेसल्स हैं उनसे बाहर आ चुका है। इसका मतलब अंदर लीवर के इंजरी हुई है किसी वजह से। अब या तो इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि मॉर्टलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये स्पोरेडिक केस है। बर्तन से भी टकरा सकता है खाने से? नहीं, उस सबसे ये नहीं होता है। मतलब ये सब चीज़ें क्लियर निकलती हैं अगर मतलब बर्ड किसी अटैक से या अचानक से मरता, हेल्दी बर्ड। लेकिन ये इसमें हेमरेजेस दिख रहे हैं, लीवर वाइट कलर का है, एजेस नहीं है। ये होने में कम से कम 3 या 4 दिन लगते हैं लीवर को ऐसा होने में। हार्ट आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो पहले हार्ट को अलग कर लेते हैं।
हार्ट में हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो ये देखना होता है कि ये हार्ट कितना बड़ा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हार्ट है, इतना बड़ा नहीं होता है, और इसके ऊपर पानी भी भरा हुआ था, इसे बीच में से काट के देखा जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो ये हार्ट इस तरह से अटैच था बॉडी के अंदर, इस तरह से। तो इसका जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है जो बॉडी के अंदर पंप करता है, ये तो बड़ा है काफ़ी, मतलब जितना होना चाहिए, लेकिन लेफ़्ट वाला काफ़ी छोटा हो गया, ये इसमें देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब बर्ड को अपनी लंग्स में ब्लड पंप करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। ये स्प्लीन होता है, ये स्प्लीन है। रानीखेत या और वायरल जो बीमारियां होती हैं उनके अंदर इसका साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन ये नॉर्मल साइज़ का है और नॉर्मली इसका टेक्सचर भी है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे। अब बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक वॉल में लगे रहते हैं, मतलब उसकी छाती के अंदर चिपके रहते हैं। हमारे आपकी तरह या गाय भैंसों की तरह ये फ्री फ्लोटिंग नहीं होते। तो अब हम लंग्स को निकाल लेते हैं यहाँ से, ये लंग्स हैं, और अगर देखें आप तो ये निमोनिक कंडीशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, काला पड़ चुका है। मैंने जैसा उसमें हार्ट में देख के बताया था कि ये जो राइट वाला वेंट्रिकल है ये लंग्स में ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अंदर एटिलेक्टेसिस हो गया, मतलब उसकी जो वॉल्स हैं वो टूट गई हैं और ब्लड उसके अंदर पंप नहीं हो पा रहा था। अब दूसरा लंग भी देख लेते हैं, ये लीजिए। तो ये लंग, ये दोनों ही इनमें निमोनिया निमोनिक कंडीशन दिख रही है, और अंदर से लंग्स काले हो चुके हैं। लंग्स बेसिकली पिंक होना चाहिए, इसके अंदर हेमरेज हुआ है, मतलब लंग्स के अंदर भी जो ब्लड था वो वेसल्स के अंदर से फट के बाहर आ गया है। जो छोटे छोटे काले काले निशान या वो दिख रहे हैं, ये इसका मतलब है ब्लड बाहर आया है। हम एक बार धो के भी इसे देख लेते हैं। तो ये अगर बाहर का ब्लड होता, जैसे हमने इसे वो किया और ये बाहर वाला ब्लड होता, तो ये अभी तक धुल जाता, लेकिन ये अंदर है। और इसे हम वो करके भी देख सकते हैं पानी में डाल के। तो ये बेसिकली ये वाले लंग्स क्या करते हैं, ये डूब जाते हैं पानी के अंदर, थोड़ा नीचे चले जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। अब लीवर को काट के देख लेते हैं यहाँ से। लीवर देखिए कितना फ्रेबल है और अंदर कितना ब्लड है इसके, एकदम हाथ लगाने से ये टूट रहा है।
लीवर की हेल्थ का ये है कि शार्प होने चाहिए एजेस, अब आते हैं इंटेस्टाइन पर, अब ये क्योंकि फ्रेश बर्ड है तो इसके अंदर ये बहुत सी चीज़ें बहुत क्लियर हैं, जो अगर ये थोड़ा पुराना हो जाता तो शायद ये प्रोवेंट्रिकुलस कहलाता है, बिल्कुल फ्रेश फीड है इसके अंदर। अगर गंबोरो रानीखेत या फिर बर्ड फ्लू वगैरह होता है तो इसके ऊपर यहाँ पर ये लाल लाल हो जाता है, खून बाहर आने लगता है, यहाँ से हेमरेजेस दिखते हैं, पिन पॉइंट हेमरेजेस जिन्हें कहा जाता है। फिर ये गिजार्ड आता है, गिजार्ड को भी की हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और ये फीड की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक छोटी सी कुछ इंजरी है इसमें, ये तो ये यहाँ पर गिजार्ड में हम देख सकते हैं, ये कोई एक इंजरी है जहाँ से गिजार्ड इरोड हो गया है। अब ये किस वजह से हुआ है, हो सकता है कि फीड में कोई ऐसी चीज़ गई हो, कोई कंकड़ हो या कुछ मतलब ऐसा हो जिसकी वजह से यहाँ पर इसने डैमेज किया है, तो अभी इसे अंदर से देख लेते हैं। IBH के केसेस में गिजार्ड में कभी कभी इरोजन्स हो जाते हैं, मतलब खून हमने खून जैसा दिखने लगता है, अदरवाइज़ तो ये वाइट ही रहता है। इसके कलर से क्या अभी हेल्दी है कलर? ये कलर हेल्दी है, अगर लेयर बर्ड होती या पुराना बर्ड होता तो ये ग्रीन भी हो जाता है, तो ये गिजार्ड में जो ये वाली चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए थी, ये हमें दिख रही है। तो ये किसी फीड से ही हुआ है क्योंकि अंदर से ये बिल्कुल क्लियर है ये चीज़। हाँ तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब हम करते हैं काम, इसका लीजिएगा। तो गिजार्ड भी यहाँ पर ठीक है, नॉर्मल है। अब गिजार्ड के बाद आती है इंटेस्टाइन, ये बहुत ज़्यादा लोग वो नहीं करते हैं, मतलब इसे देखते नहीं हैं, वो नहीं किया जाता। ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है जिसे ड्यूओडेनम कहते हैं, इसे भी हमें काट के देखना होता है। अब एंट्राइटिस में ये अंदर से हमें थोड़ी सी वैसी नज़र आती है, अब अगर देखें आप तो कितनी अंदर से बिल्कुल काली और वेलवेट, इसका वेलवेट जैसी हो गई है, तो इसका मतलब ये नेक्रोटिक एंट्राइटिस का केस है। नेक्रोटिक वाला, अभी नेक्रोटिक एंट्राइटिस के बारे में भी मैं बताऊंगा। अब इसका नहीं आ रहा है, इंटेस्टाइन का लाल होने का मतलब बाहर से यही है कि नेक्रोटिक एंट्राइटिस क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस से होती है, और फीड में जब MBM या बेकार क्वालिटी का जब फीड यूज़ होता है, फिश मील वगैरह, तब इसके केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ड्यूओडेनम में, और ये तो खैर पूरी इंटेस्टाइन में देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो अगर आप देखें इसे, फोकस करिए,
इतनी लाल ये इंटेस्टाइन नहीं होनी चाहिए, जैसी ये बिल्कुल मरून रंग की हमें दिख रही है, मखमल की तरह हो रही है। हाँ, मखमल की तरह, जिसे वेलवेट कंडीशन कहते हैं। हालांकि हमें बाहर से देख के ही पता चल गया था, लेकिन खोला सिर्फ इस वजह से कि ताकि आप ये चीज़ देख लें। तो ये ड्यूओडेनम होती है, ये मेसेंट्री है इसकी, ये भी इसमें भी इतना खून नहीं होता है जितना इसमें नज़र आ रहा है। तो ब्लड का कंजेशन इसी वजह से है कि वहाँ पर कुछ इंजरी है और ब्लड अपना इम्यून सिस्टम को वहाँ पर पहुँचा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का कंजेशन उस जगह पर होने लगता है। अब ये जो जगह है, यहाँ से सीका शुरू हो जाता है, मतलब इस जगह से। इंटेस्टाइन के तीन पार्ट रहते हैं, ये मेसेंट्री है, मेसेंट्री भी देखी जाती है कि लाल है या नॉर्मल है। ये इलियोसीकल जंक्शन कहलाता है, ये जहाँ से तीन वो दिख रहे हैं। अब इसे भी हमें, मतलब इस जगह कई बार यहाँ पेयर पैचेज होते हैं, और रानीखेत की बीमारी जब होती है तो इससे इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ पे बहुत बड़ा लाल रंग का एक चकत्ता सा डेवलप हो जाता है, हेमरेज हो जाता है इसमें। लेकिन यहाँ पर इतना कोई वो नहीं है इसमें। सीका को खोल के हम देखते हैं कि उसके उन केसेस में जब कोक्सीडियोसिस होता है। अच्छा, नेक्रोटिक एंट्राइटिस जो है वो और कोक्सीडिया जो है वो दोनों के वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर नेक्रोटिक एंट्राइटिस हुआ, मतलब कोक्सीडिया हुआ है, तो फिर उसके बाद नेक्रोटिक एंट्राइटिस ज़रूर होता है, वो उसकी अगली स्टेज होती है, क्योंकि वो डैमेज कर देता है स्पोर्स को, वो इम्यून सिस्टम डैमेज कर देता है इंटेस्टाइन का। तो उसके अंदर हम ये सीका को देखते हैं जिसे हम अब खोल रहे हैं। आपके यहाँ जो ब्राउन कलर की ड्रॉपिंग्स होती हैं, इसमें देखिए सीका में भी आपको ब्लड, हल्का हल्का ब्लड दिखाई दे रहा है। तो कोक्सीडिया नेक्रोटिक एंट्राइटिस के बाद, कोक्सीडिया के बाद नेक्रोटिक एंट्राइटिस लगभग होती ही है हमेशा। तो इस बर्ड में तो हमें यही नज़र आया। अब इसकी किडनी भी एक बार देख लें, किडनी को देखने का तरीका यही है कि उसे आप वॉल में लगा रहने दें और ऊपर से देखें कि उसका, तो किडनी में यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है। गर्मियों में थोड़ी सी फूल जाती है किडनी, क्योंकि बर्ड का पानी का इंटेक पे भी डिपेंड करता है। तो किडनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आई। तो अब आपको मैं बताता हूँ नेक्रोटिक एंट्राइटिस का और पैरों के में जो लीटर लगा हुआ है उसका क्या कोरिलेशन है, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम, ये लीटर से उसके अंदर आता है। लीटर से किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन, ये लीटर के अंदर पानी होना, उसकी कंडीशन ठीक ना होना, वो क्लोस्ट्रीडियम के उसे बढ़ाता है। अगर फीड भी अच्छी क्वालिटी का है तो मिट्टी के अंदर भी क्लोस्ट्रीडियम हमारा पड़ा रहता है, तो उसे भी हमें मतलब ये जो कोरिलेशन बैठ रहा है इस चीज़ का, वो दो चीज़ों पे जा रहा है। एक तो लीटर की क्वालिटी ठीक नहीं है जिससे कोक्सीडिया और नेक्रोटिक एंट्राइटिस हो रहे हैं, दूसरा ये है कि फीड की क्वालिटी भी में भी कुछ डाउन हो सकता है। तो दो इससे यहाँ पे कंक्लूजन निकलते हैं। अब एक और बर्ड भी है हमारी, उसे भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये 15 दिन का है, इसमें पैर के पोजीशन में, हाँ इसके लिए ये। तो ये अब दूसरा बर्ड है, और ये क्योंकि बर्ड ही 35 दिन का हो गया है, उससे भी ज़्यादा दिन का है, तो बरसा उसमें थोड़ा सा रिग्रेस हो जाता है, और अगर उसमें कोई तो इस वजह से बरसा इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें नज़र नहीं आएगा। अगर देखें इस बर्ड का, इनका बर्ड था ये, उससे भी ज़्यादा का। तो इसमें हम देखते हैं बाहर से एग्जामिनेशन करके कि कोई वैसी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो पर इसके काफ़ी गीले से हैं, और ना ना इसकी वजह से नहीं है। ये देखो यहाँ, ये तो रुआ जो है ना,
इसका मतलब फीड में कुछ या विटामिन ए वगैरह की कमी है। खैर ये चीज़ें बड़ी बारीक होती हैं, हर कोई जब बार बार आप इस इन पोस्टमार्टम को करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं तभी देखने को मिलता है। लीटर की कंडीशन यहाँ पे भी थोड़ी सी डाउन ही है, देखिए लीटर कितना चिपका हुआ और गीला है। इसकी एक वजह ये भी है कि जो मतलब जो निपल सिस्टम है उसमें से वो नीचे गिर गिर के बाहर आता है वो पानी, और उसके ऊपर भी बर्ड काफ़ी मतलब खड़ा रहता है तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी आंखें इसकी खोल के देखें तो ठीक है, नाक में से दबा के देखेंगे तो इसमें देखिए कुछ नहीं निकला नाक में से ना, हमने दबाया। और इसके मुंह में लीटर है, अगर आप देखें तो मुंह में लीटर है। अब ये देखना है कि ये इसके प्रोवेंट्रिकुलस और वहाँ तक भी गया है या सिर्फ मरने के टाइम ही ये लीटर मुंह में आया है। तो ये तरीका होता है कि आप पूरी की पूरी बर्ड को इसके अंदर डुबा दें और फिर इसे निकालें। वहाँ पे हमने पहले ऊपर से खोला था, अब यहाँ पे हम पहले नीचे से खोलेंगे। इसकी हड्डियाँ भी देख लेते हैं एक बार, इसमें क्रैक की आवाज़ आई है हमें, तो मिनरल स्टेटस या कैल्शियम वगैरह बर्ड में ठीक है। जितनी फ्रेश मॉर्टलिटी होगी, जितनी फ्रेश मॉर्टलिटी का आप पोस्टमार्टम करेंगे और जितना मतलब सब्र के साथ करेंगे, पेशेंटली करेंगे, उतनी ज़्यादा आप इसमें चीज़ें पता लगा पाएंगे। हर चीज़ कुछ ना कुछ इसमें कहती है, बताती है हमें। अब अगर इसमें देखें तो कितना यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेगा कि वहाँ पर तो बिल्कुल जो मसल्स थी वो पिंकिश थी और कोई ऐसा रेड और वाइट नहीं था, यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बबलिंग हुई है इसकी, और रेड एंड वाइट का मतलब ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसमें खूब हुआ है। अब वो किसकी वजह से हुआ है वो देखना है। ज़्यादातर ये हीट स्ट्रेस की वजह से होता है, जब वाइटामिन ई या एंटी ऑक्सीडेंट का स्टेटस बिल्कुल डाउन चला जाता है इन्फेक्शन की स्टेज में या स्ट्रेस की स्टेज में, तब ये वाइट और रेड हमें देखने को मिलता है। इसमें देखें आप पिछले की मुकाबले बिल्कुल क्लियर बर्ड यहाँ से ये नज़र आ रहा है। हार्ट इसका कोई पानी नहीं भरा है इसके अंदर। इधर आ जा। और लीवर के एजेस देखिए आप कितने शार्प हैं यहाँ पर, जैसा मैंने कहा था कि बिल्कुल ब्लेड की तरह होने चाहिए वो, ये देखिए आप। तो लीवर में अभी इतना डैमेज नहीं हुआ है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा फैटी है ये, लेकिन इतना डैमेज इसमें नहीं। जैसे ये लीवर का जो बेसिक कलर होता है वो यही होता है जो इसका है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है किनारे इसके सफ़ेद होने लगते हैं। हालांकि ये माइक्रोस्कोप से पता चलता है फैटी का ज़्यादा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो किनारे हैं उसके थोड़े थोड़े सफ़ेद होने लगते हैं और गोल होने लगते हैं, तो इसका मतलब फैटी कलर डिफरेंस यहाँ पे बीच में है। ये तो इसका गॉल ब्लैडर का जो कलर है ये इसका इम्प्रेशन है, और ये इसका हार्ट भी बिल्कुल ठीक है, कोई पानी वगैरह नहीं है। अगर एयर सैक देखें हम तो एयर सैक भी बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर।
एंटराइटिस की प्रॉब्लम यहाँ पर भी थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अब अगर आप लंग्स देखें पिछले वाले से कंपेयर करें, वो कभी फेंक दिया वो, तो ये नॉर्मल लंग्स हैं बर्ड के। ये जो कलर है लंग्स का, ये बिल्कुल नॉर्मल है, पिंक कलर। फिर लीजिए, लेकिन वहाँ पर देखा था आपने कैसे वो काला बिल्कुल हो गया था, निमोनिया मतलब अंदर जो उसकी मर गया था, ब्लड वेसल्स हैं वो फट गई थी, जिसकी वजह से हेमरेज हुआ और हार्ट वहाँ पे ब्लड पंप नहीं कर पा रहा था। अब वहाँ वजह ये थी पिछले वाले मतलब केस में कि जो क्लोस्ट्रीडियम है जिसकी वजह से नेक्रोटिक एंटराइटिस हुआ, वो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है लीटर वगैरह के अंदर और मीट मील MBM और इन सब चीज़ों के अंदर जो आमतौर से मिलता है। और जब भी इंटेस्टाइन में स्ट्रेस वगैरह या कोई पुअर क्वालिटी का फीड जाता है या बर्ड लीटर खाने लगता है, तो उसमें वो उसके इंटेस्टाइन में आ जाता है। और फिर वो पहले तो लीवर में जाता है, लीवर में आपने हेमरेजेस देखे उसमें, फिर वो वहाँ से गॉल ब्लैडर में आता है, गॉल ब्लैडर में आके वो मल्टीप्लाई करता है, फिर वहाँ से पूरे ब्लड में पूरी बॉडी में फैलता है। तो इसी वजह से वो लंग्स में भी गया, वहाँ के वहाँ पर जाके उसने सेप्टिक की कंडीशन मतलब ये प्रोड्यूस की। प्रक्रिया में बैक्टीरिया कितना दिन का टाइम लगता है? ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर स्ट्रेस की कंडीशन है, इम्यून सिस्टम डाउन है, तो वो तुरंत हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्ड की मॉर्टलिटी होगी, लेकिन ये एक कंडीशन ऐसी है कि जहाँ चार पाँच बर्ड रोज़ मरती रहती हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, नेक्रोटिक एंटराइटिस को। तो लंग्स हमने देखे यहाँ पे सही हैं बिल्कुल। कभी कभी बीट में कच्चा दाना आता है, वो भी वजह यही है, कोक्सीडिया और ये सब चीज़ें। अच्छा, ये ऐसी नहीं है कि ये एक ही कोई बीमारी हो, ये कई सारी मिल जाती हैं, तो पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसमें स्प्लीन भी हमें दिख रहा है कि ये लगभग सही है, स्प्लीन है। लेकिन गॉल ब्लैडर क्योंकि यहाँ पे भी इसके हिसाब से बड़ा लग रहा है, नॉर्मल। मतलब बड़ा तो नहीं है, लेकिन जो कलर है वो काफ़ी इंटेंस है। ओरिजिनल कितना तो ग्रीन होना चाहिए था, बिल्कुल ब्लू, मतलब ये इम्प्रेशन नहीं छोड़ता नॉर्मली। ये स्प्लीन है, स्प्लीन भी नॉर्मल है। लीवर में थोड़ा आपको यहाँ दिख सकता है कि यहाँ से ये फैटी हुआ हुआ है, ये जो ये वाइट लाइन दिख रही है। इसके बाद इंटेस्टाइन देखते हैं, गिजार्ड वगैरह, तो वेंट्रिकुलस विली किसे कहते हैं, विली तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं इंटेस्टाइन के, बेसिकली वही तो टूट जाते हैं। अच्छा, इसमें जो एंट्राइटिस होती है वो विली टूट जाती है। इसमें हमें बिल्कुल भी फीड नहीं मिला है, तो भी फीड है गिजार्ड वाला है, तो इसका मतलब बर्ड ने इसमें दाना खाना छोड़ दिया था। प्रोवेंट्रिकुलस में हार्डली 2 से 3 घंटे फीड रहता है। अच्छा, सॉरी 20 से 30 मिनट फीड रहता है, 2 से 3 घंटे नहीं, 20 से 30 मिनट।
गिजार्ड हेल्थ इसमें भी प्रॉब्लमेटिक है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये जो रेडनेस हल्की सी दिखाई दे रही है, ये वैसे दिखने में तो आपको वो लग रही होगी कि छोटी है, लेकिन ये फीड क्वालिटी और उस सब के ऊपर डिपेंड करती है। और देखिए लीटर का एक वो इसमें भी मिला है हमें, इसका मतलब ये लीटर खा रहा है। ये किस वजह से खा रहा है ये देखने की वजह है कि ये क्यों खा रहा है। ये पेनक्रिया है, इसमें पेनक्रियाज में भी इन्फ्लेमेशन आप देख सकते हैं, लाल रंग का हो गया है। नॉर्मल ऐसा रहता है ये वाइट कलर का, लेकिन पेनक्रियाज इसमें लाल कलर का हो गया। और एंट्राइटिस तो आपको दिख ही रहा है इसमें, तो इसमें भी। अब आप इसमें सेप्टेक लगाएंगे, ठीक है, 3 या 4 दिन का कोर्स करेंगे उसकी इंटेस्टाइन में, और इसकी इंटेस्टाइन में काफ़ी फ़र्क है। वो रेड थी, वो बिल्कुल आपको रेड नज़र आ रही थी, मखमली टाइप हो रही थी, ये बिल्कुल प्लेन है, मतलब इसमें है स्टार्टिंग, लेकिन स्टार्टिंग है ये, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। वो बर्ड क्योंकि बिकने को तैयार है, इस वजह से उसमें कोई एंटीबायोटिक वगैरह लगाना ठीक नहीं है। अब कम से कम 7 दिन पहले बेचने से 7 दिन पहले आप कोई एंटीबायोटिक ना लगाया करें, क्योंकि फिर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जाता है। तो यहाँ पर आप हैं, ये देख सकते हैं हेमरेज कितना ज़्यादा है, हेमरेज मिजेंट्री में भी ब्लड है, आपने ऐसी कंडीशन भी देखी होंगी जिसमें आते बिल्कुल सफ़ेद निकलती है, है ना। तो पिंकिश होनी चाहिए आते। अब यहाँ पर ये गैस भरी हुई है, कितनी देर पहले ये मरा था, चाहिए अपना ताज़ी है ये, है ताज़ी है ये भी, अगर ये पहले का लग रहा का, मतलब ये अगर 10-12 घंटे पहले का मरा होता है तो इंटेस्टाइन में ऐसी बबलिंग होने लगती है, लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि फ्रेश था तो गैस का बनना इसमें थोड़ा सा चिंता, मतलब देखने वाली बात है। अभी ये हम वहीं पहुँच गए इलियोसिकल जंक्शन पे, और यहाँ पे सीका जो है ये आपको ज़्यादा इसमें ब्राउनिश और डार्क नज़र आ रहा है। सीका पे हालांकि इस तरीके की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं लगभग नॉर्मल रहती हैं, वो सीकल ड्रॉपिंग कहलाती हैं। और यहाँ पे अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, रेड होता ही है, ये रेड होता नहीं तो सीका। अब इसमें हम दो चीज़ें और देखते हैं, अब किडनी देख लेते हैं एक बार, किडनी ठीक है इसमें, बहुत ज़्यादा स्वेल्ड नहीं है। बरसा ये चीज़ जो है ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे वाइट कलर की, जिसे बरसा कहा जाता है, ये इसे हम खोल के देखते हैं, ये ऐसा अंदर से नज़र आता है, तो ये ठीक है, बिल्कुल वाइट है। गंबोरो वगैरह में ये रेड हो जाता है, और भी कुछ डिजीज़ेस हैं जिसमें रेड हो जाता है, पस भी आ जाता है। अब जॉइंट इसके देख लेते हैं, जॉइंट्स इसके ठीक हैं, अदरवाइज़ अगर कभी कभार सूज जाते हैं तो उनके अंदर से पीला फ्लूड निकलता है। और एनीमिया वगैरह देखने के लिए ये बहुत काम आती है ये पर्टिकुलर। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो हड्डी होती है इसे इस एंगल से काटते हैं,
उसके ऊपर से खाल को हटा लिया जाता है। ये यहाँ पर बिल्कुल रेड है, इसका मतलब जो ब्लड सिंथेसिस है या वो नॉर्मल है। जो एनीमिक बर्ड होते हैं बिल्कुल उनमें सफ़ेद हो जाता है ये, तो इसे भी देखा जाता है। इस वाली जो ये इसकी टीबिया बोन होती है जिसे तंगड़ी कहते हैं मुर्गे की, इसमें और ये अच्छा दिखाई देता है। तो एक बार इसमें भी देख लेते हैं। कार्टिलेज है और ये जो पिंक पिंक है इसका मतलब इसका जो ब्लड है ये ठीक है। अब ऊपर से खोल लेते हैं। ये देखिए जो लीटर है ये अंदर तक है, और यही ये प्रॉब्लम है कि ये बर्ड जो है इसके अंदर नेक्रोटिक एंटराइटिस। ये देखिए लीटर, तो ये किस वजह से अंदर जा रहा है? अब ये लीटर खा रहा है, कोई चीज़ की कमी है, मिनरल की कमी है, किसी उसकी कमी है। इसका ट्रैकिया अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है ट्रैकिया। ये देखिए बिल्कुल क्लियर ट्रैकिया इस तरीके का होता है। पिछला वाला बिल्कुल रेड रेड था, म्यूकस था, ये होता है क्लियर ट्रैकिया। ये इसका इसोफेगस था। अब क्योंकि हम देख रहे हैं तो एक बार हेड भी देख लेते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हेड का भी, हेड को भी देखा जाता है। तो हेड के लिए आप इसके ऊपर की ये खाल उतार दें। यहाँ पर आंखों के नीचे हम एक कट मारते हैं और देखते हैं कि बर्ड फ्लू में इस पर्टिकुलर जगह पे हेमरेजेस हो जाते हैं, नीली पड़ जाती है आंखों के नीचे की जो जगह होती है ये।
ये ब्रेन है इसका, ये भी कभी कभी लाल हो जाता है जब विटामिन ए वगैरह की डेफिशिएंसी होती है, एवियन एंसीफेलोमाइलाइटिस है, रानीखेत की डिजीज़ है, तो इसे भी देखा जाता है कभी कभी। विटामिन ई की डेफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। यहाँ तो ये लगभग नॉर्मल सा ही आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी भी वजह यही है कि ये इसमें भी थोड़ा बहुत नेक्रोटिक एंट्राइटिस ही है, और हो सकता है ये लीटर जो इसके गले में फंसा हुआ था इसकी वजह से इसकी चोकिंग हुई, क्योंकि लीटर के साथ म्यूकस भी था, और जिस चोकिंग की वजह से ये, और इसके प्रोवेंट्रिकुलस में कुछ नहीं था, तो मतलब जो फीड है वो इसकी इसोफेगस में रह गया, चोक हो गया लीटर की वजह से और वो प्रोवेंट्रिकुलस तक नहीं पहुँचा। और जो इसकी एंट्राइटिस वगैरह की प्रॉब्लम थी वो तो थी, लीवर इसमें ठीक था, स्प्लीन ठीक था, गॉलब्लैडर ठीक था, लंग्स इसमें बिल्कुल पिंक थे, और बाकी एनीमिया वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब ये देखना है कि ये लीटर क्यों मतलब कंज्यूम कर रहा है, ये क्यों खा रहा है। तो लीटर की ये मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम है, ये वेट लीटर की प्रॉब्लम है, इसी से कुछ इसका रिलेशन है, वो हम देखेंगे एक बार फार्म में जाके। तो ये पोस्टमार्टम करने का मतलब तरीका है, फील्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं अवेलेबल होती, इस वजह से इन्हीं सब चीज़ों से हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो आप अगर कभी भेजें तो ये सब इतना डिटेल में अगर फ़ोटो आते हैं तो उससे डायग्नोस करना आसान रहता है। इस कंडीशन में अभी हमें एपटेक लगाएंगे और सेप्टेक 1 ग्राम पर 5 kg बॉडी वेट के हिसाब से सेप्टेक लगाई जाएगी, प्रोबायोसी लगाया जाएगा, और ये कम से कम 3 दिन हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। मैकली पावर लीवर के लिए इसमें यूज़ होगा, और उसके बाद देखते हैं कंडीशन। और साथ साथ हम फार्म की जो ये पानी की जो समस्या है कि जो टपक रहा है नीचे, उसे जल्दी से जल्दी करेक्ट करने की कोशिश करेंगे।